अभी हम देख रहे हैं हमारा जो भारत एग्रीटेक का वुड क्रशर मशीन है वो लगा है एक इथेनॉल प्लांट में जहाँ पे इथेनॉल बनाया जाता है। अब इथेनॉल मैक्सिमम जगह पे तो शुगर इंडस्ट्री को अलाइड किया हुआ है, उनके पास ऑलरेडी बगैस है, बट जब वो बड़े पैमाने पे इथेनॉल बनाते हैं तो उनको उनका बगैस भी काफ़ी नहीं पूरता, यानी उनको फ्यूल की बहुत बड़े पैमाने पे ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे यूनिट्स हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े बॉयलर लगे हैं, तो वहाँ पे भी जो वुड चिप है उसका बहुत बड़े पैमाने पे कंजम्पशन हो रहा है। ये जो लकड़ी है, ये जो वुड चिप है, ये वेस्ट वुड जो एग्री वेस्ट गिरता है उससे बनने वाले वेस्ट वुड से, या आरा मशीन पे जो वेस्ट वुड लकड़ी पड़ता है 1 इंच 1.5 इंच का जो लकड़ी पड़ता है टहनिया, तो वो टहनियों के वुड चिप बना के या लकड़ी का बुरादा बना के उसको बगैस में या फिर डायरेक्टली बॉयलर में जलाने के लिए वुड चिप यूज़ किए जाते हैं। ये वुड चिप बहुत बड़े पैमाने पे लगते हैं। अभी जैसे हमने अभी बात की इथेनॉल प्लांट की, इथेनॉल प्लांट में अब ये बगैस के साथ वुड चिप प्रिफर क्यों किया जा रहा है, तो जो कोल है वो कोल में बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन रहता है और बहुत बार 100% कोल पे आप डिपेंड नहीं रह सकते, इसलिए बहुत सारी कंपनियां जो बगैस है या कोल है उसके साथ वुड चिप या लकड़ी का बुरादा जो वेस्ट वुड से बनता है वो ज़्यादा प्रिफर कर रहे हैं। उस वजह से उनको जो इकोनॉमिक्स है, जो फ्यूल कॉस्ट है, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहती है, तो इसलिए ये बहुत बड़े पैमाने पे आज यूज़ किया जा रहा है। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं ये 75 HP का वेस्ट वुड क्रशर मशीन है जिसमें लकड़ी के चिप्स बनाए जाते हैं। इसी मशीन में अगर आपको थोड़ा साइज़ बड़ा चाहिए या थोड़ा कम साइज़ चाहिए उस हिसाब से आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये जैसे मशीन आप देख रहे हैं इसमें इस इथेनॉल प्लांट पे लगभग 20 से 30% तक बगैस में वुड चिप मिक्स करके यूज़ किए जाते हैं। इस प्लांट में हर दिन लगभग उनको 40 टन तक वुड चिप लग रहे हैं और अभी आप देख सकते हैं इस मशीन में बड़ी आसानी से वेस्ट वुड का वुड चिप में कन्वर्जन हो रहा है और ये प्रोसेसिंग के लिए आगे बॉयलर में जलाने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे जो वुड क्रशर है वो 75 HP से लेके 100 HP, 150 HP, 200 HP तक भी अवेलेबल है। अभी आप जो देख रहे हैं ये 2-in-1 वुड क्रशर मशीन है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें लोगों को 1 घंटे को 10 टन 15 टन तक भी वुड चिप लगते हैं, तो उस जगह पे आप ड्रम चिपर का भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे भारत एग्रीटेक में बहुत अच्छी क्वालिटी के 75 HP, 100 HP, 150 HP, इवन 200 HP तक भी ड्रम चिपर अवेलेबल है। जैसे लोगों को ज़रूरत है उस हिसाब से लोग वो आप बना के वो मशीन ले सकते हैं। तो अभी जैसे आपने देखा कि इस मशीन में, अभी जिस वीडियो में हम देख रहे हैं, इसमें चाहे तो आप 1/2 इंच 1 इंच 1.5 2 इंच का छोटा बड़ा लकड़ी के जो वेस्ट लकड़ी के पीसेस है वो प्रोसेस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बहुत सारी जगह पे जो विनायर वेस्ट रहता है वो भी प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि विनायर वेस्ट भी बहुत बड़े पैमाने पे कम रेट पे अवेलेबल है, तो वो भी इस मशीन में आप प्रोसेस कर सकते हैं।